हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 लाख या फिर 2 लाख अगर आप FD रखते हैं तो उस पर जो 8% 7% मिलता है उसमें से टैक्स वगैरह कट होके हमारे हाथ में फाइनली हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। तो यहाँ पे प्लीज़ कीप वॉच ऑन माई माउस और कर्सर। ओके, तो यहाँ पे 1 लाख का बेसिक FD मैंने पकड़ा हुआ है, उस पर 8% अगर रिटर्न पकड़ते हैं तो 8,000 रुपये मिलते हैं और फाइनली आपको मिलेंगे 1,08,000 रुपये। अगर आप ये इंटरेस्ट रेट TDS जो लगता है FD के ऊपर वो 10,000 इंटरेस्ट का अमाउंट अगर बढ़ता है तो एप्लीकेबल होता है, तो 8,000 इंटरेस्ट रेट 10,000 के नीचे तो आपको 0 टैक्स लगेगा और आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑन 1 लाख का FD हो जाएगा 8%। ओके, तो हम लोग हायर 10,000 क्रॉस करने वाले FD 2 लाख के लिए पकड़ते हैं। तो अगर आप 2 लाख का FD पकड़ते हैं और उस पर 8% इंटरेस्ट मिलता है तो वो हो गया 16,000 रुपये। तो टोटल मिला के आपको फाइनली मिल जाएंगे 2,16,000 रुपये। तो उस पर अगर आपने पैन कार्ड वहाँ पे सबमिट किया FD बनाते वक्त या फिर आपके रिकॉर्ड्स में है तो फिर बैंक कंसिडर करती है उसको और सिर्फ 10% TDS कट करेगी, क्योंकि ये 10,000 का इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट है वो क्रॉस किया है तो 10% कट होंगे 1,600 रुपये और बचेंगे 14,400 रुपये, जो कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा 7.2%। और अगर आपने पैन कार्ड सबमिट नहीं किया होगा तो आपका TDS कटेगा 3,200 रुपये, जो कि 20% होगा और आपको मिलेंगे 12,800 और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका होगा 6.4%। ओके, मेरे कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती हो गई हो या फिर आपको कुछ करेक्शन लगता हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। मैंने भी मेरे अंडरस्टैंडिंग से रिसर्च वगैरह करके ये सब पता किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई टैक्स एडवाइज़र या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो प्लीज़ रेफर माई डिस्क्लेमर बिफोर गोइंग टू एक्ट इस वीडियो के बेसिस पे एक्ट करने से पहले वो डिस्क्लेमर जरूर देख ले। ओके, तो सेकंड केस है कि अगर आपका इनकम को 5% से नीचे है, जो कि टैक्स मिनिमम टैक्स है इंडिया में, मतलब 2.5 लाख से कुछ नीचे है, तो फिर आपको 0 टैक्स लगेगा, मगर आपको एक फॉर्म 15G उसके लिए भर के देना होगा, तो आपका इफेक्टिव टैक्स उस केस में होगा 8% और आपको मिलेंगे 16,000 रुपये। और सेम ऐसा 0% TDS लगता है सीनियर सिटीजन को, तो एप्लीकेबल पर्सन को फॉर्म 15H FD बनाते टाइम या फिर जब रिक्वायरमेंट होगा तब सबमिट करना होगा, तो आपका इफेक्ट उस पर भी TDS 0% लगेगा और आपको इफेक्टिव 8% FD पे मिलेंगे, जो कि 16,000 रुपये। तीसरा केस है कि जिनके लिए FD इतना हैप्पी या फिर हेल्पफुल नहीं होता है, वो है हायर इनकम ग्रुप जो 20% और 30% में आते हैं, उनको इतना रिटर्न FD पे नहीं मिलता है। ये बात हमको इससे पता चलता है कि अगर आप 20% इनकम ग्रुप में हैं तो आपको 10% TDS तो कटता ही है, प्लस आपको 10% अलग से सेल्फ एडवांस टैक्स बाद में या फिर रिटर्न फाइल करते टाइम देना पड़ता है, तो आपको टोटल कट होके मिलेंगे 12,800 रुपये, जो कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आता है 6.4%। और दूसरा, अगर आप 30% इनकम ग्रुप में हैं तो FD के रिटर्न और कम हो जाते हैं, आपको 10% TDS तो कटेगा प्लस आपको 20% सेल्फ एडवांस टैक्स करके भरने पड़ेंगे और आपको इफेक्टिवली मिलेंगे 11,200 रुपये, जो कि इफेक्टिव टैक्स रेट आपका बनता है 5.6%। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो हायर इनकम ग्रुप है उनके लिए FD बहुत कम रिजल्ट देता है, मगर जो सीनियर सिटीजन या फिर लोअर इनकम ग्रुप है या फिर जिनका सिर्फ 1 लाख का FD है ओवर टोटल मिला के, तो उनके लिए रिटर्न हाईएस्ट है और बाकी लोग के लिए 6 से 7% के बीच में FD से रिटर्न मिलता है। ओके, तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा, एक छोटी सी कोशिश मैंने की है इसके थ्रू आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की, तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कीजिए और शेयर पे क्लिक करके आपके फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और फाइनेंस और शेयर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे शेयर मार्केट फ्रेंड चैनल पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करके वीडियोज़ पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और बाकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड।